पांच तत्व का बना ये पिंजरा, पांच तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन। और एक और भाव में आपसे निवेदन करूं कि नाम की निष्ठा के साथ जीवन में एक एक उन्माद आता है, एक मस्ती। आपको लगता है कि आप बड़े व्यस्त हो गए, ये जीवन की बड़ी उपलब्धि है। व्यस्त होना जीवन की उपलब्धि नहीं है, मस्त होना जीवन की उपलब्धि है। नाम से जीवन में एक एक उन्माद आता है। नानक कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक खुमारी, एक एक भजन का एक आनंद है, एक नाम में एक उन्माद है, एक एक मस्ती है उसमें। आप देखिए, ये नाम की मस्ती ही तो थी कि जब भांति भांति की प्रताड़ना, भांति भांति की पीड़ा, कष्ट, प्राण ले लेने का प्रयास तक जब श्री मीरा जी के सन्मुख हुआ और एक उत्तर मीरा सब प्रश्नों का देती है, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गाशारी मई, राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठा कठ जा सारी मई, राम नाम रो भौ सागर तिर जा सारी मई, मीरा दासी सावल गिरी धरनी, मैं तो चरण कमल लिपटा सारी। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे मन का दर्पण स्वच्छ हुआ और प्रभु की कृपा की अनुभूति आपको होने लगी, आपको बोध हुआ, जैसे ब्राह्मण ने विश्वनाथ का भेष धरे, विश्वनाथ जो ब्राह्मण का भेष धरे आए और व्यास जी से कहा, ये मत पूछिए मैं कौन हूं, अपने मन से पूछिए आप कौन है। जैसे मन का दर्पण स्वच्छ हुआ, जीव को अपने स्वरूप से परिचय हुआ, मीरा का अपने स्वरूप से परिचय है कि मैं कौन हूं। मीरा दासी जन्म जन्म री, जब विष का प्याला हाथ में आया मीरा के, और लाने वाली उदा ने ही कहा कि बाईसा मत आरोगी, विष है, तो मीरा ने कहा कि अगर ये सत्य है कि ये विष है, तो फिर ये परम सत्य है कि मेरे गिरधर लाल मेरे रक्षक हैं और मुझे छोड़कर कहीं चले नहीं गए। मीरा पुकार उठी गिरिधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरिधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। और मैं तो कहा करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये अवसर आता है, कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति होती है जो विष के प्याले जैसी होती है, अपमान की कोई ऐसी स्थिति आती है, पीड़ा की कोई ऐसी स्थिति आती है, और जैसे वो विष का प्याला लाने वाला कोई और नहीं, कोई अपना ही होता है। ऐसी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। मीरा युक्ति बताती है कि कभी ऐसी स्थिति आए तो किसी की ओर न देख कर, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला।
चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापण। त्रिताप से मुक्त करने वाली औषधि जो तत्काल और अंतर में किसी पवित्रता का, किसी सात्विकता का, किसी शीतलता का संचार कर दे, ऐसी हरि नाम की जड़ी है भव महा दावाग्नि निर्वापणम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवन। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हाथ आया अवसर जीव चूक जाता है। मेरा ऐसा अपना मानना है कि पहले तो मनुष्य होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये देह क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजी परलोक संवारा। तो पहले तो मनुष्य होना ही ये उपलब्धि है। और भारतवर्ष में जिसे मनुष्य का शरीर मिला हो उसके पास तो सीधी सीधी भगवत प्राप्ति की योग्यता है, क्योंकि यहाँ की जल वायु, यहाँ की मिट्टी संस्कार देती है। यहाँ जन्म लेने वाला कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसको जीवन में कभी ना कभी भगवत कृपा का स्पर्श न हुआ हो, भगवत कृपा की अनुभूति न हुई हो। सत्संग के अभाव में, विवेक के अभाव में, दृष्टि के अभाव में जीव अवसर चूक जाता है। और नाम का आश्रय, जैसे क्या होता है, रखी रहे यदि तलवार तो फिर वो क्या है, फिर वो एक एक लौह खंड के जैसी है। अगर रखी रहे तो तलवार तलवार रहे, उसके लिए आवश्यक है कि उसे रोज धार दी जाए। ठीक ऐसे ही सत्संग क्या है, ये आपकी प्रज्ञा को, ये आपकी आपकी विवेक शक्ति को धार देने जैसा है। नित्य प्रति संसार का व्यवहार करते करते क्या होता है, कुछ अनचाहा सा जीवन में आ ही जाता है, सभी के जीवन में आ जाता है। आपने आज अपना घर सजा कर साफ सुथरा किया, वो कल फिर मैला होगा। आपने मैला नहीं किया लेकिन मैला हो गया। ठीक ऐसे ही मन भी है। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, कोई सुंदर सा भाव मन में आएगा, फिर यहाँ से बाहर जाएंगे, फिर व्यवहार में जाएंगे, ये भाव शिथिल पड़ने लगेगा, फिर वही संसार की भावनाएं, वही संसार की चर्चाएं, वही संसार की चेष्टाएं इस भाव को शिथिल कर देंगी, वो भाव प्रबल हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि जीवन में सतत सत्संग हो, विवेक शक्ति जगी रहे, ताकि जब आपके पास अवसर आए तब उसका आप यथा समय यथा संभव लाभ ले सके। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम और आनंदाम्बुदि वर्धनम। अच्छा, एक होता है नाम को रटना, एक होता है नाम को जपना, और एक होता है कबीर की तरह नाम के रसायन को पीना। कबीर कहता है, बोले मैं रटता जपता नहीं हूं, सब है रसायन हम किया नाम समान न को, हमको मिला
जियावन हारा, जियावन हारा। सदगुरु मिला, उसने नाम का अमृत पिला दिया। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नाम रे मरी है संसार, हम नाम रे मरी है संसार। कबीर कहता है अब मरे बहिर्मुख, जो बाहर देखे सो मरे, सो पल पल मरे। मेरे सदगुरु ने कृपा करके मुझे भीतर देखना सिखा दिया है। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, और भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जियावन, मरे मरी है